औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थमने से पहले पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रामानुज शर्मा ने लट्टा पंचायत के सभी पैक्स मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट करने का आग्रह किया। वोटरों को रामानुज शर्मा ने कहा कि अगर आप लोग हमें अपना वोट के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं और हम चुनाव जीतकर पैक्स अध्यक्ष बनते हैं तो लट्टा पंचायत से बिचौलियों को दूर करेंगे। सभी किसानों के धान सरकारी मूल्य पर बिना बिचौलियों के माध्यम से लिया जाएगा। किसी भी किसान को धान बेचने के लिए बिचौलियों से संपर्क नहीं करना पड़ेगा। अभी वर्तमान समय में किसानों का धान या तो लिया नहीं जाता है या फिर लिया जाता है तो पैसों के लिए किसानों को काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी होती है। हम पैक्स अध्यक्ष बनेंगे तो सभी किसानों के धान की खरीदारी करेंगे और कम से कम समय में किसानों के पैसों का भुगतान करने का काम करेंगे। वहीं रामानुज शर्मा ने कहा कि लट्टा सबसे बड़ा पंचायत होने के बावजूद यहां पैक्स भवन नहीं है, जिसके कारण किसानों का धान खरीदारी में काफी समस्या होती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हमें मौका मिला तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि लट्टा पंचायत का अपना पैक्स भवन हो, जहां सभी किसानों का धान क्रय कर रखने में दिक्कत नहीं हो। जानकारी देते हुए रामानुज शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। मैं लट्टा पैक्स से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया हूँ। मेरा क्रम संख्या 3 पर किताब छाप चुनाव चिन्ह है। आप जो है अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता सबसे पहला यहाँ गोदाम बनाने का प्राथमिकता रहेगा। यहाँ अभी तक 24,000 क्विंटल का खरीदारी होता है लेकिन गोदाम नहीं है, इससे किसान को बहुत असुविधा होती है और किसानों का धान बिचौलिया के हाथ से नहीं बिकेगा। जो भी किसान है उसको उचित मूल्य मिलेगा, जो समर्थन मूल्य है वो पूरा के पूरा उसको मिलेगा। अभी जो है आप जनता से जब मिल रहे हैं तो जनता का क्या ओपिनियन है? जनता का ओपिनियन है, मेरे वो इशारा कर रहा है कि आप जीतिएगा तो आपका समर्थन मुझे दे रहा है जनता। क्या लग रहा है आप चुनाव जीत पाएंगे? जीत पाएंगे निश्चित, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं निश्चित जीतूंगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता आपका क्या क्या होने वाला है अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है? सबसे पहला प्राथमिकता गोदाम बनाना है और उचित किसानों का उचित मूल्य दिलाना है, खाद बीज का व्यवस्था करना है।